अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स नोट 12 का गेमिंग रिव्यू करने जा रहे हैं। आज हम इस पर खेलेंगे पबजी और आपको बताएंगे कि ये कितना कैपेबल है, किस तरह से गेम चला सकता है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। दोस्तों खूबियों को तो छोड़ें, खूबियां तो हैं ही नहीं ना गेमिंग के लिहाज से, इसमें खामियाँ हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले एक TDM खेलते हैं। तो FPS की बात करें तो ये 40 FPS मतलब अल्ट्रा पे चलता है, एक्सट्रीम और 40 FPS के साथ चलता है। बाकी जेरो की बात की जाए तो जेरो बहुत ही घटिया तरीन गंदे वाला जेरो है, सस्ते वाला जेरो। ये असल में ना हार्डवेयर जेरो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जेरो है, तो जिसमें डिले बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना कहें उतना ही ज़्यादा है। तो हार्डवेयर का मतलब होता है, मतलब उसमें ज़बान अटकी मेरी, हार्डवेयर में उन्होंने एक डेडिकेटेड बोर्ड में सेंसर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो जेरो को कंट्रोल करते हैं। सॉफ्टवेयर में उन्होंने सॉफ्टवेयर से कोई ट्रिक लगा के काम चलाया हुआ है जो कि अच्छा काम नहीं करता। इसमें डिले बहुत ज़्यादा है, अगर आप जेरो के प्लेयर हैं, जेरो पे आपकी ग्रिप है, तो आप बिल्कुल भी इस पर गेम नहीं खेल सकते। देखें दोस्तों मैं बहुत मुश्किल से इस पर गेम खेल रहा हूँ, मुझे पता है, यहाँ इस मोबाइल को पता है, आपको तो शायद इतना आइडिया ना हो रहा हो। इसके बाद हम खेलने वाले हैं लिविक मैप, वहाँ पर हम हार्ड ड्रॉप पर जो है वो लैंडिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कितना गंदा मरवाता है ये मोबाइल हमें। तो तब तक आप गेम प्ले इंजॉय करें और साथ में इसकी परफॉर्मेंस देखें, और एंड पे अगर ये मेरी वीडियो लाइक के हकदार हुई तो आप लाजमी लाइक करके जाना।
अपने जो